फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्न मनी जॉब्स। हां जी, आज अपना रीजनिंग का 11th लेक्चर है। आज आप की करने जा रहे हैं कंडीशनल कोडिंग। कोडिंग डीकोडिंग का ही एक साडे कोल टॉपिक है, जेड़ा आप टाइप्स कर रहे सी। आप सब्स्टिट्यूशन टाइप की, न्यू पैटर्न की है, बाइनरी कोडिंग की है। तो अज वैसे आप मैथमेटिकल करनी सी। मैं तुम्हें मैथमेटिकल और मशीनरी कोडिंग वो आप कल डिस्कस करांगे। एक विचो दी मैं मिस कर गई सी, दैट इज द टाइप है कंडीशनल कोडिंग। इट्स लाइक मतलब आप कह सकते हैं प्रीवियसली जिदा आप न्यू पैटर्न कोडिंग चीता ना हैगी ओही चीज है, पर इन्दे विच कंडीशंस फॉलो करनिया हुंदिया ने। जदों मैं टाइप्स देख रही सी ते मैनू कुछ कंडीशंस मिलिया, ते फिर कंडीशंस मिलिया, कंडीशंस दे विच की हुंदा कि आपां नू कंडीशंस अप्लाई करके फिर क्वेश्चंस दे आंसर्स देने हुंदे ने। मैं क्वेश्चंस नहीं लिखे, आप क्वेश्चंस बाद च डिस्कस करांगे, पहला तुसी एनी चीज समझो। एक चीज ए भी है, इन्हां विच की हुंदा जिहड़ा आपां न्यू पैटर्न कीता सीगा सब्स्टिट्यूशन वाले विच, और एक न्यू पैटर्न वाले विच की सी, आपां हर किसे नू जज करना हुंदा सी, हर किसे दी कोडिंग फाइंड आउट करनी हुंदी सीगी। जदों आपां बाइनरी कोडिंग कीती सीगी, ठीक है, उहदे विच आपां की कीता सीगा कि जदों साडे कोल इक दा आ गया ना, एक्चुअली सानू पैटर्न मिल गया, फिर साडा ओही पैटर्न चलूगा। इहदे विच की जे तुहानू कंडीशन समझ आ गईआं, ते तुसी जिहड़े क्वेश्चन दित्ते होणगे उहनां नू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लीयर है मेरी गल? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 to 6 ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਗੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, कम से कम इन भी थोड़े 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। वो कभी भी इन्हें 2 क्वेश्चन नहीं देंगे, 3 मिनिमम, मैक्सिमम 5, ठीक है, इस तो ज्यादा नहीं। देखो दैट मीनस कि साढ़े इस चैप्टर चो भी मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होंगे, मैंने सीरीज चो भी 6 क्वेश्चन कवर हो, 5 to 6 इन्हें भी अपने 3 to 4 कवर हो रहे हैं। तो दैट मीनस कि यह भी एक इंपोर्टेंट चैप्टर है। जेड़ा नेक्स्ट चैप्टर है उन्होंने भी काफी आएंगे, आप करेंगे फ्रॉम डे आफ्टर टूमोरो। डे आफ्टर टूमोरो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। कल साडे वाले कोडिंग का सारा खत्म हो जाएगा। चलो हुन आज आप आने कंडीशनल कोडिंग दे। कंडीशनल मेनू समझ आ रहा, कंडीशनल तो वर्ड की कंडीशंस, कि मैं कुछ कंडीशंस रख देती हैं, इन्हां कंडीशंस बिना मैं ए सम्स नू, ए प्रॉब्लम्स नू सोल्व नहीं कर सकती। चलो हुन आप समझन, देखो की है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। मैं ना ए बहुत शॉर्ट फॉर्म च लिखी है कि कंडीशंस अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस किंदे? लेटर्स दे, ठीक है, कि किद्दां दे कॉम्बिनेशंस साडे चलदे पए ने। फिर तुसी की करना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैं तुहानू नेक्स्ट स्लाइड दे विच एक्सप्लेन करदी आं। देखो तुहानू लेटर्स दित्ते होए ने, जे दा आ, के दा आ, एस दा आ, टी दा आ, ठीक है, सब दे तुहानू सिंबल्स दित्ते होए ने। सिंबल्स जरूरी नहीं है, जे लई सिंबल है ते के लई भी सिंबल है, एस लई तुहानू नंबर च भी दित्ता होया है। मतलब इन्हां की है, इन्हां नू की कीता होया, इन्हां नू कोड दिता हुआ है कि इनका कोड आए, इनका कोड आए, इनका कोड आए। क्लियर? ये आप रखना ही रखना है। कंडीशंस भी अपन वैसे अपने इन फ्रंट ऑफ यू पीपल होनी चाहिए कंडीशंस भी। चलो कोई ना, देखते हैं। हाँ जी, कंडीशंस देखो, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ वोवल देन द कोड्स ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। वो कहते अगर तुम क्वेश्चन के फर्स्ट एलिमेंट की दिता जाए वोवल, की दिता जाए वोवल, then the code of the first and last element are to be interchanged। जे तुहानू कोई वर्ड दिता गया, सपोज करो तुहानू वर्ड दिता गया कुछ इदां दा, ई टी के पी ओ, क्लियर, उन्होंने क्या इनकी कोडिंग करो। वो कहने जे तुहाडे कोल फर्स्ट एलीमेंट की आ जाता है वोवल आ जाता है, ये जस्ट तुहाडे समझाने लई है। अगर तुहाडे कोल फर्स्ट एलीमेंट वोवल, वोवल साडे कोल केड़े हुंदे ने, ए ई आई ओ यू, ए वोवल्स होंगे ने, इन्हां नू छड़ के बाकी जेड़े भी अल्फाबेट होंगे ने ओ साडे कोल कॉन्सोनेंट दे विच कंसीडर करते हैं। क्लियर? इफ द फर्स्ट एलीमेंट इज वोवल, अगर साडा फर्स्ट एलीमेंट वोवल मिल जाता है, देन द कोड्स, कोड्स मतलब जेड़े इन्हां नू कोड प्रोवाइड किए गए ने, ठीक है, कोड जेड़े इन्हां नू प्रोवाइड किए गए ने, देन द कोड्स ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलीमेंट आर टू बी इंटरचेंज। जेड़ा फर्स्ट से लास्ट एलीमेंट का कोड होएगा ना, वो इंटरचेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ड लिया फर्स्ट एलीमेंट तो डबोवल है,
दैट मीन्स की है कि जेड़ा ई का की है मेरे को कोड एक्स मल्टीप्लाई और ओ का की है टू, मतलब कि मैं इन्हें इंटरचेंज कर देना है, इनका टू बन जाएगा तो इनका की बन जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर है? जो अभी आंसर इनका लगभग साढ़े को बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, इफ द लास्ट एलिमेंट इज वोवल देन द कोड ऑफ द लास्ट एंड फर्स्ट टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द लास्ट डिजिट। वो कहते जे थोड़ा लास्ट एलीमेंट वोवल है, आवल एलीमेंट वोवल है, फिर इनका की करना है ते कोड की करना है, देन द कोड ऑफ द लास्ट एंड द फर्स्ट, जेड़ा कोड लास्ट से फर्स्ट का ना, फिर किन अकॉर्डिंग करना है, लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग। जे थोड़े को लास्ट एलीमेंट ए किन है फॉर फर्स्ट एलीमेंट जो वोवल है, जे थोड़े को लास्ट एलीमेंट वोवल हों फिर थोड़े इतने ओ का की है टू ते ई का किन्ना एक्स, फिर तुसी लास्ट एंड फर्स्ट टू बी कोडेड एज द लास्ट डिजिट, ओ का किन्ना टू, फिर तुसी टू इतने पा देना सी ते इतने भी टू ही पा देना सी क्योंकि उन्होंने की गल कही है लास्ट ते फर्स्ट टू बी कोडेड एज द लास्ट डिजिट। इन क्या इंटरचेंज ए लास्ट डिजिट का जो कोड होगा पहले दूजे पहले लास्ट अकॉर्डिंग कोड कर देना। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलीमेंट इज कॉन्सोनेंट, अगर तुम इतने कॉन्सोनेंट दिते होंगे then the codes of the both the elements are to be coded as the code of the first element, फिर तुसी इन दोनों नु की कोड करना सीगा जो फर्स्ट एलीमेंट की कोडिंग होनी सी। क्लियर है मेरी गल? आप उन्दे विच करते हैं, क्वेश्चंस विच करते हैं, मैं ते क्वेश्चंस लिख दी हैं। हाँ जी, फोर्थ कंडीशन की है साडे कोल, इफ टू एलीमेंट्स, ध्यान नाल समझना, तीन कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, फोर्थ कंडीशन इज इफ टू एलीमेंट्स विद द सेम कोड आर देयर, अगर साडे कोल दो एलीमेंट्स सेम कोड दे विच आ जांदे हैं इन द अरेंजमेंट देन बोथ शुड बी कोडेड एज द कोड ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग एलीमेंट गिवन इन द अबव। वो कहते अगर सपोज करो इन डिजिट दे विच आ कंडीशन तो है ही है, फोर्थ वन इज दिस, वो कहते जे साडे इन्दे को इन्ना विचों जे सपोज करो कोई एदां दे दो नंबर्स ने जिन्हां दे सिंबल सेम है, लाइक जिदा देखो किन्ने किन्ने सेम है के दा ते यू दा, जे सपोज करो के यू या फिर जे ते यू आ जांदे आ इकट्ठे आ जांदे आ ता की होएगा, देन द अरेंजमेंट देन बोथ शुड बी कोडेड एज द कोड ऑफ द नेक्स्ट, की कोड होएगा उन्हां दा जो इन्दे विच नेक्स्ट एलीमेंट नू कोड दिता होएगा उन्हां दा कोड ओ बन जाएगा। क्लियर है मेरी गल? ए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यही ज्यादा यूज होएगा सानू प्रॉब्लम्स दे विच। हुण देखो मैं जदों तुहानू समझाऊंगी तुहानू उदों क्लीयर होएगा। क्वेश्चन करते हैं भाई, इक वट इज द कोड ऑफ द आई के एस टी, मैं कंडीशन वन बाय वन चेक करनी है। मेरे को फर्स्ट कंडीशन की है, इफ द फर्स्ट एलीमेंट इज अ वोवल देन द कोड ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलीमेंट आर टू बी इंटरचेंज। मैं चेक किया कि मेरे को फर्स्ट एलीमेंट की है वोवल, ओके वोवल है तो मैं की कर दूंगी लास्ट से फर्स्ट एलीमेंट की कोड की कर दूंगी इंटरचेंज, मतलब मेरे को आई का की बन जाएगा जो टी है, टी का किन्ना है मल्टीप्लाई, टी का मेरे को की है मल्टीप्लाई, आई का मेरे को की है परसेंटेज, ठीक है। देखो इन्हों को कर लिया मैं इंटरचेंज। नेक्स्ट होना के इफ द लास्ट एलीमेंट इज अ वोवल देन कोड ऑफ द लास्ट एंड द फर्स्ट टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द लास्ट डिजिट। अगर लास्ट एलीमेंट वोवल है पहले तो कंडीशन चेक करनी है, चेंज की करना है, दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप। बट इफ द लास्ट एलीमेंट इज वोवल, थोड़ा लास्ट एलीमेंट वोवल है, नहीं ना सिर खपा की लड़ ही नहीं, छड़ दो इन्हों इतने। फिर इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलीमेंट इज कॉन्सोनेंट देन द कोड्स वट एवर कोड्स हैव गिवन, पहला देखो फर्स्ट से थोड़े लास्ट एलीमेंट की कॉन्सोनेंट है, हाँ जी फर्स्ट एलीमेंट थोड़ा की है वोवल, लास्ट की है कॉन्सोनेंट। उन्होंने क्या इफ बोथ द एलीमेंट, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलीमेंट एंड जे तुहानू फर्स्ट ते लास्ट एलीमेंट दोनों दिते होंगे, जे तुहानू दोनों कॉन्सोनेंट दिते होंगे पर तुहानू एक वोवल एक कॉन्सोनेंट है, इस करके थर्ड कंडीशन भी नहीं अपलाई होएगी। हुण फोर्थ कंडीशन देखो, मतलब इन्दे विच की है हर क्वेश्चन लई तुसी चार कंडीशन चेक करनियां ने, बस तुहाडा काम इन्दे विच ज्यादा यही है। इफ टू एलीमेंट्स विद द सेम कोड्स आर देयर इन द अरेंजमेंट, इफ टू एलीमेंट्स विद द सेम कोड आर देयर, ओके ने अगर इन्दे विच दो एलीमेंट सेम कोड दे आ जांदे है, पहला तो देखो के दी मेरे कोल की है एक्सक्लेमेशन, एस दी मेरे कोल की है टू, के दी की है एक्सक्लेमेशन, एस दी किन्नी है टू, तुहाडे कोल कोई भी सेम कोड दा आया नहीं आया। इफ टू एलीमेंट्स विद द सेम कोड्स आर देयर, अगर दो एलीमेंट सेम कोड दे हो जांदे देन बोथ शुड बी कोडेड, फिर उन्हां दोनों नूं कोड की ना करना सीगा,
दी नेक्स्ट सक्सीडिंग, नेक्स्ट मतलब होता है अगले वाले एलिमेंट गिवन इन द अबव। सब जे तुहाडे कोल कुछ दो लैटर दो सिंबल सेम आ जाते फिर तुसीं उहनां दी कोडिंग कितना करनी सी जो इहदे विच उहनां नाल अगले वाले का दिता हुआ है। क्लीयर? पर सानू तां इह वी नहीं दिता हुआ, सेम भी नहीं दिता हुआ। दैट मीनस अवर आंसर इज दिस। इहदे विच तां साडी कहानी ही पहली ते गल ते खत्म हो गई सी। चलो नेक्स्ट चेक करो, इत्थे सानू एक्स दिता हुआ सीगा इस करके साडा आंसर आ हो गया। हां जी x नी मल्टीप्लाई, व्हाट इज द कोड फॉर e k u y? असि हुण किहदी कोडिंग करनी है? e k u y फ्रॉम द फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन चेक करो। तुहाडे कोल पहली कंडीशन की सीगी? अगर तुहाडा पहला लैटर की है वोवल, चेक करो तुहाडा पहला लैटर वोवल है, बिल्कुल वोवल है। फिर मैं फर्स्ट ते लास्ट दी की कर देनी है इंटरचेंज कर देनी है, कोडिंग इंटरचेंज कर देनी है। मतलब मेरे को y दी की हो जाएगी इथे आ जाएगी एट द रेट, ई दी की है ई दी मेरे को की है मल्टीप्लाई, वो इथे आ जाएगी। ठीक है, हो गया। हुण देखो सेकंड लई की है, इफ द लास्ट एलिमेंट इज वोवल, लास्ट एलिमेंट वोवल नहीं का छड़ दो इनू इथे। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, अगर पहला ते लास्ट एलिमेंट कॉन्सोनेंट है, नहीं साडे को थर्ड कंडीशन भी नहीं अप्लाई होगी क्योंकि ई की है वोवल एंड वाई इज द कॉन्सोनेंट। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग साडे को दोनों कॉन्सोनेंट चाहिए ने, दैट मीन्स थर्ड कंडीशन भी नहीं इन अपलाई होगी। लास्ट कंडीशन चेक करो, इफ टू एलीमेंट्स विद द सेम कोड, पहला था टू एलीमेंट्स से कोड पुट करो, इथे एक्सक्लेमेशन ते यू दा भी की आ गया एक्सक्लेमेशन। मैं लिख लिया एक बारी, इफ टू एलीमेंट्स विद द सेम कोड्स, आ गए सेम कोड्स इन द आर देयर इन द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स दिते हुए ने, देन बोथ शुड बी कोडेड एज द कोड ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग एलिमेंट इन द गिवन अबव। देखो मैं इथे की कीता, ए मेरे को सेम आ रहे सी, मतलब मेरा आ वाला नहीं होएगा, नहीं होएगा तो दैट मीन्स मेरा की होएगा E K U Y, मैं इथे लिखन लगी हाँ। E दा ते तुहाडा Y दा तां फिक्स हो गया ना एट द रेट ते मल्टीप्लाई, ठीक है एट द रेट ते मल्टीप्लाई। देखो ए तां मेरे दोनों फिक्स हो गए, पहला मेरी इथे गल देखो, ए मेरे फिक्स हो गए ते मैं ऑप्शन च वेख के कुछ आंसर नू कैंसल कर सकती हाँ, किनू किनू कर सकती हाँ। एट द रेट एक्स मेरा इथे ही है ना, चेंज तो इन्हां दोनों दा विचकार वाला दा होना है, वो आप बाद चेंज कर दे, ना मेरा आ आएगा ना मेरा आ आएगा ना मेरा आ आएगा, मेरा इन दोनों में आ सकता है क्योंकि माइट भी ए भी ना हो, ठीक है इस करके नन ऑफ दीज चो आ सकता है। हुण मैं देखना है के दा, के मेरे को किथे है आ रहा, के दा नेक्स्ट एलिमेंट उन्होंने क्या है कि आर देयर इन द अरेंजमेंट देन बोथ शुड बी कोडेड, किदा कोड होना है एज कोड ऑफ द नेक्स्ट नेक्स्ट सक्सीडिंग एलिमेंट इन द अबव, जो उन्हें नेक्स्ट इतने अरेंजमेंट दिता हुआ है। के तो अगला केड़ा दिता हुआ है टू, तो दैट मीन्स मेरा के दी की कोडिंग हो जाएगी टू, तो यू तो अगला की दिता हुआ है टू, तो मेरी टू इनकी भी की कोडिंग होगी ए वाली, तो मेरा आंसर की हो गया आ वाला। क्लियर है जी, चारों कंडीशन कितना अपलाई करनी पता लग गया। चलो नेक्स्ट करते हैं इन्होंने प्रॉब्लम थर्ड और फोर्थ। हां जी थर्ड देखो, वॉट इज द कोड ऑफ एस के ई टी जे, फर्स्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट इज वोवल, नहीं है वोवल छड़ दो, सेकंड कंडीशन इफ द लास्ट एलिमेंट इज वोवल, लास्ट एलिमेंट वोवल नहीं है छड़ दो, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, बिल्कुल कॉन्सोनेंट है एस एंड जे बोथ आर द कॉन्सोनेंट्स, की करना हूं देन द कोड्स ऑफ द बोथ द एलिमेंट, जेडे इन दोनों की कोडिंग है किदा करनी है, एज कोडेड एज द कोड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट की है एस दी किन्नी है टू, इनकी तो टू होएगी होएगी, तो लास्ट वाले की भी होनी है टू। क्लियर है जी, क्लियर है जी। थर्ड कंडीशन अकॉर्डिंग फोर्थ कंडीशन, इफ टू एलिमेंट्स विद द सेम कोड्स आर देयर, हां जी पहला तो के दी देखो की होएगी एक्सक्लेमेशन, ई दी की है मल्टीप्लाई और टी दी की है मल्टीप्लाई, आ गए दोनों सेम, आ गए दोनों सेम, मतलब साडे कोल आ वाली कोडिंग नहीं हो सकती, देन आई हैव टू फाइंड अगेन, मतलब मेनू दूजा फाइंड आउट करना पड़ेगा, पर यू हैव टू चेक दीज ऑल्सो कंडीशन ऑप्शन ऑल्सो कि साडा फर्स्ट ते लास्ट तो नहीं चेंज होएगा ना, क्योंकि साडा चेंज किन्ना होना है इन दोनों का चेंज होना है, लास्ट फर्स्ट ते लास्ट सेम रहेगा, टू टू इन भी है टू टू इन भी है टू टू इन भी है, मतलब आ दोनों तो इथो ही नहीं पता लग जाएगा, नहीं हो यस और नो। चलो टू ते एक्सक्लेमेशन तो सेम रहेगा, आ भी टू सेम रहेगा, इन्हों दोनों का सेम है ना कोड, इन्हों दोनों का सेम है ना कोड, इन्हों का चेंज होएगा, ई का की हो जाएगा, ई दे अगले वाला केड़ा है एट द रेट,
इन्दे विच देखने ना तुसी टी दे अगले वाला केड़ा है, टी दे अगले वाला केड़ा है एट द रेट, मतलब टू एक्सक्लेमेशन एट द रेट टू आ हो जाएगा, आ दोनों कैंसिल। क्लियर है? यस और नो? वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कंडीशन ऑल्सो। तुहानू अगर कंडीशन समझ आ गई है, कंडीशन आ गई है समझ, एक बार तुहानू डिफिकल्ट लगेगा, तुहानू एक बार कंडीशन बार बार पढ़ना पड़ेगा, पर जो तुसी एक बार कंडीशन बार बार पढ़ लोगे ना एक प्रॉब्लम दे विच, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो करोगे तो तुहानू डिफिकल्टी नहीं होगी। चलो हाँ जी, लास्ट वन, वॉट इज द कोड फॉर टी एस आई ए? हूं देखो, फर्स्ट इज द कॉन्सोनेंट, पर उन्होंने वोवल ही क्या सी, सेकंड उन्होंने क्या सी, इफ द लास्ट एलिमेंट इज वोवल। हाँ जी, मेरे को लास्ट एलिमेंट इन विच की दिता हुआ है, वोवल दिता हुआ है, फिर मैं कोड किता करना, देन कोड ऑफ द लास्ट एंड फर्स्ट टू बी कोटेड एज द कोड ऑफ द लास्ट डिजिट। हूं मैं दोनों नु किदा कोड करना, फर्स्ट ते लास्ट नु, जो लास्ट डिजिट है एदा मेरे को की है एट द रेट, मतलब एदा भी एट द रेट बन गया, एदा भी एट द रेट बन गया। हाँ जी, एस ते आई दा की बन गया टू, क्योंकि मैं मान तो वन बाय वन कंडीशन चेक करनी है, आई दा मेरे को की है परसेंटेज, ते जेड़ी मेरी फोर्थ कंडीशन है, जेड़ी मेरी फोर्थ कंडीशन है उन्दे विच मेनु की क्या हुए उन्होंने, उन्दे विच मेनु क्या, इफ टू एलिमेंट्स विद द सेम कोड आर देयर इन द अरेंजमेंट, देन बोथ शुड बी कोडेड एज द कोड, एज द कोड ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग एलिमेंट। देखो उन्होंने जेड़ी गल कही है ना कि अगर दो एलिमेंट सेम आ जाता है, असि इन्हां दा कोडिंग कर चुके हैं ना, यस और नो, असि इन्हां दी तां कोडिंग कर चुके हैं ना, इस करके तुसी इन्हां दा दोनों दा नहीं देखना गा कि मेरे को इन्दा एट द रेट है, इन्दा एट द रेट है, ते मैं इन्हू नेक्स्ट नेक्स्ट ले लांगी, नहीं, मैं इन्हां नू इदां ही रखना है, मैं जेड़े जदो मेरी फर्स्ट टाइम कोडिंग ते करन दे टाइम ते कुछ इदां दी प्रॉब्लम आंदी है, मैं फेर करना सी, इस करके मेरा आंसर की हो जाएगा, ए वाला एट द रेट टू परसेंटेज एट द रेट, दैट मीन सी ऑप्शन। क्लियर है जी? हां जी, हुण फिफ्थ क्वेश्चन देखो। हाँ जी, फिफ्थली देखो की कंडीशन है, व्हाट इज द कोड ऑफ के आई ओ वाई? चेक करो, फर्स्ट फोर वोवल नहीं होएगा, सेकंड फोर लास्ट वोवल, लास्ट इज नॉट अ वोवल, वाई इज अ कॉन्सोनेंट, नहीं होएगी सेकंड भी अप्लाई, थर्ड इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, बिल्कुल फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट हो कहते ना कॉन्सोनेंट, अगर है तो सा दोनों कॉन्सोनेंट है, कोडिंग किदा होनी है, बोथ द एलिमेंट आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो मेरे को कोड फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब अगर इंदा मेरे को एक्सक्लेमेशन है तो इंदा भी एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, यस और नो, तो मैं को आ चेक करूंगी, तो एक्सक्लेमेशन सिर्फ इंदे इंदे विच है, आ दो कंडीशंस मेरे को पहला ही कटियां गई है, ए मेरे को परसेंटेज दा साइन है, तो हुण आई ते ओ है, आई ते ओ दी की कोडिंग हुंदी मेरे को इंदी परसेंटेज, ओ दी की हुंदी है टू, तो मतलब मेरे को दो लैटर सेम भी नहीं आए, दो मेरे को सेम तो नहीं ना आई, तो दैट मीनस मेरे को आंसर की हो गया आ वाला, नहीं आ वाला आंसर होया परसेंटेज पहला है। क्लियर है जी? हां जी, किसी नु डाउट करिए नेक्स्ट सम, ए वाली प्रॉब्लम क्लियर है, तुहानू एदा नहीं ही पेपर दे विच आणगे, बस तुसी की किस चीज का ध्यान रखना है, कंडीशंस दा, हर हर प्रॉब्लम नु सोल्व करन तो पहला कंडीशन यू हैव टू मतलब रीड केयरफुली ईच एंड एवरी कंडीशन, वन बाय वन तुसी कंडीशन अप्लाई करनी है। हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तुहानू कोड्स आ दिते हुए ने, कंडीशंस आ दित्ती हुई है, कंडीशंस एक बार आपां पढ़ लैंदे हां, फिर वी आर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल राइट आफ्टर दिस। इफ द सेवंथ अल्फाबेट इज अ वोवल एंड फोर्थ अल्फाबेट इज अ कॉन्सोनेंट, उन्होंने की गल कही है, देखो मैं ना थोड़ा शोर्ट लिख लेनी हूं कि तुहाडे माइंड च एकदम स्ट्राइक कर जावे, सेवंथ अल्फाबेट, सेवंथ अल्फाबेट की होवेगा जे वोवल, ते फोर्थ की होवे, फोर्थ अल्फाबेट की होवे कॉन्सोनेंट, देन द कोड ऑफ द बोथ विल बी सेम, कोडिंग अब बात करांगे, ए मैं तां लिखे सेवंथ वोवल क्योंकि तुहानू थोड़ा स्ट्राइक कर जाएगा कि आप चेक कर लांगे कि सेवंथ साडा वोवल है कि कॉन्सोनेंट है। If there are more than five consonants, then the codes, codes अब बाद डिस्कस करांगे, मतलब कि है more than five consonant, more than, मैं ते शोर्ट लिख लेनी हूं, more than five consonants, क्लियर है मेरी गल? If a second and last letter
इस कॉन्सोनेंट मतलब सेकेंड लेटर थे लास्ट लेटर गिवन कंडीशन था सेकेंड लेटर सेकेंड एंड लास्ट लेटर की हो गए कॉन्सोनेंट फिर कोडिंग होएगी। चलो अपन कंडीशन चेक करने लगी है व्हाट इज द कोड फॉर ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर ट्रांसफर का करना है देखो की है सेवंथ वोवल ते फोर्थ कॉन्सोनेंट वन बाय वन कंडीशन कही इसने चेक करने। हाँ जी सेवंथ वोवल पहले चेक करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवंथ वोवल है ते फोर्थ के ना वन टू थ्री फोर कॉन्सोनेंट है एन इज द कॉन्सोनेंट एंड ई इज द वोवल फिर कोडिंग कितना होगी देन कोड ऑफ बोथ विल बी सेम एज कोड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। ओ कहते जेड़ा फोर्थ दा देखो किंदा किंदा फोर्थ ते सेवंथ है ना सेवंथ लेटर ते फोर्थ लेटर है ओ कहते ना दी कोडिंग किंदी होएगी जिन्नी पहले दी है जिन्नी मतलब टी दी है। देखो इतने मैं लिखन लगी हाँ एक बार कोडिंग इतने लिखन लगी हाँ टी दी मेरे को की है एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मतलब मेरे को फोर्थ दी भी की आ जाएगी मैं ते ट्रांसफर इतने लिखन लगी हाँ टी दी मेरे को एक्सक्लेमेशन है जे टी दी मेरे को एक्सक्लेमेशन है ते मैं फोर्थ दी ते सेवंथ दी भी की करनी उन्होंने क्योंकि कंडीशन रखी है कि अगर साढ़े को सत्तवां लेटर वोवल है ते चौथा लेटर साढ़े को कॉन्सोनेंट है ते तुसी कोडिंग कितना करनी है जो गिवन वर्ड ते पहले दी कोडिंग है ते मेरे को पहले दी कोडिंग टी दी की नहीं है एक्सक्लेमेशन ते मेरे को एन दी भी की बन जाएगी चौथे लेटर दी भी की बन जाएगी एक्सक्लेमेशन ई दी भी की बन जाएगी एक्सक्लेमेशन। क्लियर है मेरी इन्नी गल हुण तुसी ए नहीं है कि एक्सक्लेमेशन दे के चक इत्थे चुप करके लगा दो नहीं ऐदा नहीं करना यू हैव टू चेक अदर कंडीशन ऑल्सो। उन्होंने अगली कंडीशन की कही है इफ देयर आर मोर देन फाइव कॉन्सोनेंट्स ने इत्थे लिखा है मोर देन फाइव कॉन्सोनेंट्स है कैलकुलेट करो कि मोर देन फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बिल्कुल मेरे को सिक्स कॉन्सोनेंट्स है ए ई आई ओ यू नू छड़ के बाकी सारे की हुंदे ने कॉन्सोनेंट। क्लियर है मैं उते वोवल्स भी लिखे हुए ने ए वोवल्स है ए ई आई यू साडे कोल वोवल्स है इन्हां नू छड़ के जिन्ने भी अल्फाबेट्स हुंदे ने दैट ऑल आर द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है अगर साडे कोल कॉन्सोनेंट्स है देन द कोड ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर हैव टू बी इंटरचेंज्ड मतलब तीजे ते चौथे लेटर दा आपस दे विच की हो जाएगा चेंज हो जाएगा मेरे को की हो जाएगा तीजे ते चौथे दा आपस दे विच चेंज हो जाएगा। हां जी देखो मेरे को टी दा की बन जाएगा टी दा तो सच यही रहेगा देखो टी दा मेरे को आ ही रहा सेकंड कंडीशन दे अकॉर्डिंग टी दा मेरे को आ रहा सेकंड कंडीशन दे अकॉर्डिंग। ठीक है ते थर्ड ते फोर्थ दा लेके इंटरचेंज होएगा एस दा मेरे को इनदे अकॉर्डिंग की है एट द रेट नहीं सॉरी थर्ड ते फोर्थ थर्ड मेरे को ए है ते एन की है फोर्थ लेटर है थर्ड एंड फोर्थ लेटर हैव टू बी इंटरचेंज्ड। देखो ए दा की मेरे को हो जाएगा फिर ए दा मेरे को की है एंड ओ एन दा बन जाएगा ते जो एन दा ओ किंदा बन जाएगा ए दा बन जाएगा। क्लियर है ए मेरी सेकंड कंडीशन दे अकॉर्डिंग होएगा। हुण उन्होंने की गल कही इफ द सेकंड एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट इफ द सेकंड एंड द लास्ट लेटर बोथ आर कॉन्सोनेंट्स ना आर भी कॉन्सोनेंट है आर भी कॉन्सोनेंट है देन द कोड ऑफ द वोवल प्रेजेंट इन द वर्ड विल बी चेंज टू द कोड ऑफ द लास्ट कॉन्सोनेंट। ओ कहते जिन्ने भी इन्दे विच फिर वोवल्स प्रेजेंट होंगे ना उन्हां दी कोडिंग किद्दां होएगी जो लास्ट दी होएगी। क्लियर है उन्हां दी कोडिंग किद्दां होएगी जो लास्ट दी होएगी एदा मेरे कोल देखो की रह गया। हां जी प्लीज देखो देखो कंफ्यूज हो जाओगे पहला पहली कंडीशन दे सारे लिख लो बाकी पहली दा लिख के आर दे की आर दा की मेरे को है एट ए दा मेरे को की है एंड एन दा की है एन दा मैं लिखा होया एस दा की है एट द रेट एफ दा की है डॉलर साइन ई दा लिखा होया आर दा की है एट। सेकंड कंडीशन च भी कंफ्यूज ना होवो तो लिख लो इंदा एट ही रह जाएगा ए इंटरचेंज हो गए एट द रेट डॉलर साइन एक्सक्लेमेशन एट। क्लियर है हुन थर्ड कंडीशन उन्होंने की कही है इफ द सेकंड एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट ते जेडे इन्दे विच वोवल्स प्रेजेंट है ना उन्हां दी किन्ने अकॉर्डिंग होएगी
जिन्हें भी वोकल्स प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग किन्ने अकॉर्डिंग होगी इन द वर्ड विल बी चेंज टू द कोड ऑफ द लास्ट कॉन्सोनेंट जेड़ा लास्ट कॉन्सोनेंट है ते वोवल्स देखो आ है सेम रहेगा देखो मेरे को आ एक्सक्लेमेशन सेम रहेगा क्लियर है मेरे को आ भी सेम एटी रहेगा यस और नो ए मेरे को वोवल है ते लास्ट लेटर दी एथे भी एट हो जाएगा एन दा मेरे को ए ही रहेगा एस दा भी मेरे को ए ही रहेगा इन दा भी मेरे को ए ही रहेगा हुण मेरे को वोवल की है ई ई दा भी की हो जाएगा एट इन दा भी हो जाएगा एट हां जी फाइंड आउट करो देखो एक्सक्लेमेशन एट एट एंड एट द रेट डॉलर साइन एट एट क्लियर है जी यस और नो हां जी बिल्कुल क्लियर है चलो नेक्स्ट ध्यान में व्हाट इज द कोड फॉर बिटवीन हुण फर्स्ट कंडीशन चेक करोगे सेवंथ वोवल फोर्थ कॉन्सोनेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवंथ वोवल है ते फोर्थ कॉन्सोनेंट नहीं फर्स्ट कंडीशन ते अप्लाई नहीं होगी क्योंकि साडे कोल सेवंथ लेटर कॉन्सोनेंट वोवल नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन साडे कोल सेवंथ लेटर की है कॉन्सोनेंट फिर फर्स्ट कंडीशन नहीं लगेगी दोनों चीजा होनी जरूरी ने नेक्स्ट की है इफ देयर आर मोर देन फाइव कॉन्सोनेंट काउंट करो वन टू थ्री फोर साडे कोल सिर्फ फोर कॉन्सोनेंट्स है इस करके सेकंड कंडीशन भी नहीं लगेगी लास्ट वाला की है सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट चाहिए तो सेकंड लास्ट साडे कोल कॉन्सोनेंट है जे सेकंड लास्ट मेरे को कॉन्सोनेंट है तो वह कहते हैं की कोडिंग होनी चाहिए है दैन द कोड ऑफ द वोवल प्रेजेंट इन दिस किन्ने अकॉर्डिंग चेंज होगी लास्ट लैटर के मतलब मेरे को जिन्हें भी ए वोवल्स है ई एन के अकॉर्डिंग हो जाएगी एन की इक्वल टू ई दी भी इक्वल टू होगी इतने भी ई दी इक्वल टू होगी इतने भी इक्वल टू होगी तो एन की तो इक्वल टू ही होगी डब्ल्यू की मेरे को किन्नी है देखो डब्ल्यू की मेरे को फाइव है टी की मेरे को किन्नी है एक्सक्लेमेशन ते बी की मेरे को की है बी की मेरे को की है तनु बी की गिवन ही नहीं की हां जी प्लीज देखो बी की गिवन है आप बी है बी की मेरे को किन्नी गिवन है थ्री देखो मैं तुम्हें दोबारा भी एक्सप्लेन कर दी हां और असी जो फर्स्ट कंडीशन चेक की असी जो फर्स्ट कंडीशन चेक की मेरे को नहीं सीगा क्योंकि ना ही मेरे को सैवंथ वोवल सीगा सैवंथ वोवल ते फोर्थ कॉन्सोनेंट जरूर सी बट सैवंथ वोवल नहीं सी इस करके फर्स्ट कंडीशन नहीं लगेगी सेकंड विच उन्होंने की कहा मोर देन फाइव कॉन्सोनेंट ते मेरे को सिर्फ कॉन्सोनेंट किन्ने ने चार ने तीन तो मेरे को वोवल ही आए हुए ने तो दैट मीन्स नहीं लगेगी फिर लास्ट उन्होंने की गल कही है इफ द सेकंड एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट मेरे को सेकंड लेटर ते नहीं फिर दैट मीन्स थर्ड भी नहीं लगेगी बिल्कुल नहीं लगेगी थर्ड उन्होंने की गल कही है सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट चाहिए ते सेकंड ते लास्ट सेकंड दा मेरे को की है वोवल है सेकंड दा मेरे को वोवल है लास्ट है मेरे को कॉन्सोनेंट दैट मीन्स मेरे को थर्ड कंडीशन भी लगेंगी तीनों कंडीशन ही लगियां ते दैट मीन्स मेरा की है कि दैट मीन्स मेरा की है सेकंड लेटर ते लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट चाहिए नहीं लगेगा फिर मैं की करना बिटवीन दे जो मेनू दिते हुए ने मैं उनके अकॉर्डिंग करना मेनू बी दा थ्री दिता हुआ है ई दा मेनू की दिता हुआ है हैश ई दा हैश हैश एन दा मेनू की दिता हुआ है इक्वल टू डब्ल्यू दा मेरे को की दिता हुआ है डब्ल्यू दा मेनू फाइव दिता हुआ है टी दा मेनू की दिता हुआ है एक्सक्लेमेशन हां जी थ्री हैश एक्सक्लेमेशन फाइव थ्री हैश एक्सक्लेमेशन फाइव हैश हैश इक्वल टू दिस इज माई आंसर क्लियर है जी हां जी क्लियर है जो तीनों कंडीशन नहीं लग रही फिर सानू बिटवीन की जो अकॉर्डिंग दिखती है असी ओन दे अकॉर्डिंग कर लेना है चलो नेक्स्ट देखते हैं हां जी मैं इन्होंने ऑप्शन ही लिखे क्योंकि मैं हाल एक तुम होर प्रॉब्लम करवानी है कंडीशनल अकॉर्डिंग का ही एक होर तुम प्रॉब्लम सोल्व करवानी कि तुम चीज पक्की चंगी तरीके हो जाए चलो वट इज द कोड फॉर द सुपरमैन तुम खुद फाइंड आउट करना है थोड़ी का फर्स्ट कंडीशन की है सेवंथ वोवल ते फोर्थ कॉन्सोनेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हां जी बिल्कुल मेरे को वोवल है ते फोर्थ कॉन्सोनेंट चेक करा है कि नहीं है वन टू थ्री फोर फोर्थ कॉन्सोनेंट नहीं है फोर्थ लेटर भी मेरे को की है वोवल दैट मीन्स नहीं लगेगा ना यस और नो नहीं लगेगा मेरी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी चलो फर्स्ट कंडीशन नहीं अप्लाई होगी सेकंड कंडीशन की मोर देन फाइव कॉन्सोनेंट काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स आ गया दैट मीन सेकंड लगूगी जदों मेरे को मोर देन फाइव कॉन्सोनेंट होंगे उदो की होगा थर्ड ते फोर्थ लेटर का कोड आपस की हो जाएगा इंटरचेंज थर्ड
ਤੇ ਫੋਰਥ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਈ ਦਾ ਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਪੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਐਸ ਦਾ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਯੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 8 ਡਬਲਯੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 5 ਓ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਐਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਔਰ ਐਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰਾ ਏ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਯੂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਐਨ ਏ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਯੂ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੋਵਲ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗੇਨ 7th ਵੋਵਲ 4th ਕੰਸੋਨੈਂਟ 1 2 3 4 5 6 7 7th ਵੋਵਲ ਨਹੀਂਗਾ 7th ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੈ 4th ਫਿਰ 4th ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਕੰਸੋਨੈਂਟ 5 ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 6 ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਹੈ 6 ਕੰਸੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3rd ਤੇ 4th ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਉਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 7 ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਸ਼ ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 8 ਐਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਏ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਔਰ ਐਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਫ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓ ਹੈ ਓ ਇਜ਼ ਵੋਵਲ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਚਲੋ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਬੋਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੋ ਪੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਟਾਰ ਈ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੈਸ਼ ਆਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 8 ਐਫ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡੋਲਰ ਸਾਈਨ ਯੂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਮ ਦਾ ਪਲੱਸ ਈ ਦਾ ਹੈਸ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 11 ਟੂ 13 ਜਾਂ 11 ਟੂ 15 ਹੋਣਗੇ ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਓ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਕੇ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਹੀਆਂ ਅਗਰ 3rd ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੋਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਓਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਫ ਐਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡਡ ਬਾਈ ਸਿੰਬਲ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 3rd ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕੋਡਿੰਗਸ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੂ ਕਿੰਨੂ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ ਫਾਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ 3rd ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਫ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਓਡ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਓਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਓਡ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 1 ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ 3rd ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਫ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡਡ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਦਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੋਡਿਡ ਐਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀ 1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂ
ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਇਵਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਐਸਟੈਰਿਕ ਸਾਈਨ ਦਾ ਇਸ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਸੀ ਯੂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ ਫਾਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕੇ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਫ देयर आर नो ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਬਟ ਹੇਅਰ ਆਰ ਦਾ 3 ਐਂਡ 5 ਬੋਥ ਆਰ ਦਾ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਵਨ ਨੰਬਰਸ 6 ਐਂਡ 2 ਐਂਡ ਬੋਥ ਆਰ ਕਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀ ਹੈਸ਼ ਦੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ 6 ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੈਨ ਦਾ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟੂ ਬੀ ਕੋਡਡ ਐਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਿੰਬਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਲੱਸ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀ ਪਾਉਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜੋ 3 ਦੀ ਹੈ 3 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਰ ਔਰ 3 ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ 5 ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 5 ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਬਲ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਦੈਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਐਟ ਕੋਡ ਫॉर ਦ ਸਿੰਬਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੰਬਲ ਲਈ ਕਰਾਂਗੀ 3 ਲਈ ਆਰ ਸਟਾਰ ਲਈ ਐਸ 5 ਦੀ ਕਿੰਦੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਇੰਦੀ ਵੀ ਜੀ ਆਏਗੀ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਓ ਔਰ ਹੈਸ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਯੈਸ অর ਨੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੀ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹੀ ਇਫ देयर आर नो ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਬਟ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਓਡ ਨੰਬਰਸ 3 ਐਂਡ 5 ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਫ ਐਨ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡਡ ਹੇਅਰ ਇਸ देयर ਐਨੀ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਨੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਦ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਕਮ ਟੂ ਦ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਆਨਸਰ ਆਰ ਐਸ ਜੀ ਓ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਪਲਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫ देयर आर नो ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਓਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਹੇਅਰ 5 ਇਜ਼ ਐਨ ਓਡ ਨੰਬਰ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਇਫ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਯੂ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਓ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬੀ ਹੈ 5 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀ ਹੈਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਐਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਫ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਬਟ ਆਵਰ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਦ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮ ਟੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਇਫ देयर आर नो ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਬਟ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 ਔਰ 7 ਦੈਨ ਕਮ ਟੂ ਦ ਥਰਡ ਇਫ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸੀਡਡ ਬਾਈ ਸਿੰਬਲ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਸ਼ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 8 ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੈਨ ਦ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੋਡਡ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਸਿੰਬਲ 2 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ ਹੈਸ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ 8 ਇਜ਼ ਮਾਈ ਇਵਨ ਨੰਬਰ ਨਾ 8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ 3 ਦੀ ਹੈ 3 ਦੀ ਜੇ ਆਰ ਹੈ ਤੇ 8 ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰ ਹੀ ਹੋਗੀ ਤੇ 7 ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਏ ਔਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵਿੱਚੇ ਫਿਰ ਕੋਡਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੁਮਾਰੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਪਲੀਟ ਅਵਰ ਥਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਟੂ ਰੈਸਟ ਥਿੰਗਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਕੋਡਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
पर फिर भी कभी की होंगे कई बार पेपर के तो आ जाए तो तुम सोल्व कर पाओ। मैं तुम्हें एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल जरूर करवा दूंगी। कल अपना ए वाला कोडिंग डीकोडिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस तो बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करांगे। हां जी, जिस हिसाब से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, मैं तुम्हारे लिए मटीरियल इतना अच्छा लेके आ रही हूं, उस हिसाब से मुझे व्यूज नहीं मिल रही है, मेनू तो मेरी वीडियोस से ने लाइक्स नहीं मिल रही है। प्लीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस नू लाइक करो और शेयर करो। जिन्ना तुसी ज्यादा शेयर करोगे उन्ने ही ज्यादा मैं तुम्हारे लिए होर मतलब बेस्ट दे पावांगी। वैसे मैं आपका 100% तुम्हें दे रही हूं पर तुसी मैनू आपका 100% नहीं दे रहे हो। हां जी, एक साडे हर वीडियो दे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच टेलीग्राम ग्रुप दा एक लिंक, साडी वैबसाइट दा लिंक, सब कुछ तुहानू गिवन आ। उहदे विच फ्री मॉक टेस्ट तुहानू दित्ते जांदे ने, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दित्ती जा रही है। इवन दैन की आ भी जिन्ना भी बिल्कुल जीरो लेवल तो सिलेबस स्टार्ट करवाया होया, बिल्कुल जीरो लेवल तो सिलेबस स्टार्ट ए वाला होया होया साडा, ते प्लीज कोऑपरेट करो और इस चीज नू मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो साडे चैनल नू। और तुहानू पता है कमिंग एग्जाम्स, पटवारी दे एग्जाम्स दी डेट आ गई है, एवें हुण डेट्स आई जानियां ने, अपने एग्जाम स्टार्ट है, वी हैव स्टिल 1.5 मंथ। ठीक है, तुहाडे कोल तैयारी लई हल्ले भी 1.5 महीना हैगा और मैं तुहानू बिल्कुल ओही चीजां कवर करवा रही हां जिहड़ियां तुहानू एग्जाम्स दे विच आ रही है। ते प्लीज साडियां वीडियोज नू मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।